Hello, no, this is Alicia Mahajan from Money Academy. This is the third part of higher education. So let's get started without wasting any time. So yeah, तब हम डिस्कस कर लेते हैं एक और मेजर पॉइंट, दैट इज नैक. नैक क्या होता है? मेक अ हेडिंग. 1994 में स्टैब्लिश हुआ. किसने दिया था? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इन्होंने इनकी रिकमेंडेशन से. ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पता ना, 1986 में स्टैब्लिश हुई थी. नैक के फुल फॉर्म याद कर लीजिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये एक्रेडिट करते हैं. सो बेसिकली इसका रेंज होती है, अगर आपका 3.5 से 4 CGPA आता है तो मतलब आपको A++ मिलेगा, आप एक्रीडिटेड हो, मतलब आपको रैंक अच्छा मिल गया है. 3.26 से 3.5 आता है मतलब A+ रैंकिंग है. 3.01 से 3.25 है, ए रैंकिंग है. 2.76 से 3 है तो B++. 2.51 से 2.75 है तो B+. 2.01 से 2.50 है तो B. फिर उसके बाद 1.51 से 2 है तो C. लेकिन अगर आपकी रैंकिंग 1.15 से 0 आ गई, इससे नीचे आगे 1.50 से, मतलब आपका डी रैंकिंग है और आप एक्रेडिटेड नहीं हो. बाकी सबको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सातों को मिल जाता है रैंक, लेकिन लास्ट वाले को ये नहीं मिलता. ठीक है, याद रखना. अब नए नए ऑटोनॉमी जो मिली है यूनिवर्सिटीज को, वो देख लेते हैं किस किस को मिली है. 9 यूनिवर्सिटीज को 24 मई को 2018 में क्या मिली है? ऑटोनॉमी मिली है. ठीक है, याद रखना इसको, आपने नंबरिंग याद कर लीजिए. तो इनको ना कैटेगरी वाइज मिलती है. तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर किसको मिली है? TIRF, ये कहाँ पर है? मुंबई में. इसके अलावा IIFT, ठीक है ना, IIFT, और एक है हमारे पास इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी दिल्ली में है. भारतीय विद्यापीठ, ये पुणे में है. ये चार पुणे में है. इन चारों को मिली है कैटेगरी वन के अंदर, कैटेगरी वन के अंदर ऑटोनॉमी. अब देखिए सेकेंड, बिट्स पिलानी. बिट्स पिलानी एंड SRM, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई को मिली है. इन दोनों को मिली है कैटेगरी टू के अंदर. ठीक है, याद रखें, कैटेगरी टू के अंदर मिली है. ठीक है, सो इनको जब किसी को ऐसा मिल जाता है ना ऑटोनॉमी, इसका मतलब ये होता है, याद रखें. इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि यू कैन हैव योर न्यू कोर्सेज, आप नए नए कोर्सेज डाल सकते हो, आप नए नए डिपार्टमेंट बना सकते हो, न्यू डिपार्टमेंट बना सकते हो, आप फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हो, ऑफ सेंटर्स आप कैंपस बना सकते हो. जैसे होता है ना, ऑफ सेंटर्स प्राइवेट वालों को मिलता है, सो जिनको ऑटोनॉमी मिल जाती है उनका भी हो जाता है. अपने रिसर्च पार्क्स बना सकते हो. ठीक है, सो ये आ जाता है. इसके अलावा नाक, ये हो गया हमारा इसके अंदर. अब क्या याद करेंगे हम? एक बार इग्नू के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, इनको क्या मिला है? स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है कॉम्पिटिटिव कैटेगरी ए के अंदर, 8th नेशनल साइंस फिल्म फेयर ऑफ इंडिया में. ये कब हुआ? 20 से लेकर 24 फेब 2018 में हुआ. तो इनको नेशनल साइंस फिल्म फेयर फेस्टिवल कौन ऑर्गेनाइज करते हैं? विज्ञान प्रसार, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, उनके अंदर ये दिया गया. और इनको कैश प्राइज मिला 50,000 रुपये, साथ में एक ट्रॉफी भी मिली. ठीक है, सो या
ठीक है, कैटेगरी ए के अंदर इनको मिला, याद रखें। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपको पता चली गई है, करवाई है, फिर से याद कर लीजिए, जिनको नहीं पता ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में उनको, ठीक है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितनी कितनी हो गई है, ये आपको बेसिकली सबकी याद रखनी है, फीमेल्स की भी मेल्स की भी। तो व्हेन इट कम्स टू फीमेल इट इज 25.4, व्हेन इट कम्स टू मेल इट इज 26.3, ठीक है। और चाहिए कितनी हमें, 30%, कब तक चाहिए, 2020 तक, ठीक है, 2020 तक चाहिए, ये याद रखना है। 0.7 से अप हुआ है, ये भी हमने पढ़ा। और या ये लेटेस्ट डेटा है 2020 तक, आपको 30% तक करना है। उसके उसके अलावा हमें क्या याद रखना है कि इंडिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है ग्रोस पैरिटी इंडेक्स में, ठीक है। ग्रोस पैरिटी इंडेक्स का क्या मतलब होता है, कितने ज्यादा फीमेल्स ने एनरोल करा है, ग्रोस पैरिटी इंडेक्स कितने ज्यादा फीमेल्स ने एनरोल करा है एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। और अगर तो उसकी वैल्यू इक्वल टू वन आती है, इसका मतलब इक्वल टू वन आती है इस ग्रॉस पैरिटी की, इसका मतलब कि अच्छा है, और डिस्पैरिटी का मतलब है कि लेस देन वन है तो वो डिस्पैरिटी है, ठीक है। और आपको क्या यूनिवर्सिटीज के बारे में याद रखना है, ठीक है। एनआईआरएफ की रैंकिंग वो सब कर लेते हैं, एनआईआरएफ ने 2018 में जो अनाउंस करा है वो हम देख लेते हैं। IISc बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, ठीक है। मेरिंडा हाउस बेस्ट कॉलेज, इंडिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी IISc एंड मेरिंडा हाउस बेस्ट कॉलेज। IISc बेंगलोर को आपको याद रखना है, IISc बेंगलोर जो है वो डोमिनेंट रहा है टू कैटेगरीज में, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब बेंगलोर का ये इम्पोर्टेंस है, ये सारे के सारे हम इसको करेंगे, जैसे IIT मद्रास इंजीनियरिंग में अच्छा है अहम, ये सारी चीज़ें मैं आपको PDF में दे दूंगी, सभी बच्चे ग्रुप में आ जाना, वहाँ पर मैं आपको ये लेटेस्ट रैंकिंग और जो पिछली रैंकिंग है, इवन वो बेसिकली कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। वो पूछ भी सकते हैं 2018-19 का, 17-18 से वो कंपैरिजन भी करवा सकते हैं, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी विल डू नेक्स्ट। और आपको क्या पता होना चाहिए, एक एक बार सारे हम यूनिवर्सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद कर लेते हैं, सो दैट आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। यूजीसी के बारे में बात करेंगे, यूजीसी एक स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है, कब ये हुआ, इस्टैब्लिश हुआ 1953 में, और बाद में इम्प्लीमेंट हुआ आगे, मतलब 1956 में, वर्किंग में 1956 में आया, तो 53 और 56 यूजीसी के लिए याद रखना है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। 6 रीजनल ऑफिसेज हमने कर लिए हैं, बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, ठीक है। उसके अलावा AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर टेक्निकल एडुकेशन, सॉरी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एडुकेशन, ये भी स्टेचुटरी बॉडी है। ये कब हुआ, ये एस्टैब्लिश हुआ 1945 में, लेकिन उसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ये कब आया, 1987 में। यहाँ पर देखे बहुत गैप है, 45 से 87, 45 से 87, ठीक है। ये 4 का डिफरेंस, 4 से 8 का और 5 से 7 का, 3, 4 और 3 प्लस करने हैं 45 में, ठीक है। तो या तो इसका क्या काम होता है, टेक्निकल एजुकेशन और मैनेजमेंट का बेसिकली ध्यान देना, ठीक है। और ये एग्रीगेशन में भी हेल्प करता है पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स को। इसके हेडक्वार्टर्स भी दिल्ली में है, इसके रीजनल ऑफिसेस भी कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर है, सो प्लीज राइट इट डाउन। कानपुर, चंडीगढ़, गुरुग्राम, मुंबई, भोपाल,
Baroda, Kolkata, Guwahati, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Thiruvananthapuram. Chennai, Thiruvananthapuram. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखें. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नैक, ये भी आपको करवाया था. ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, कोई पूछ लेता ना इनमें से कौन सी ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, जैसे ऊपर हमने दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी याद करी, तो दोबारा से रिवाइज करी, यूजीसी और एआईसीटीई, अभी तक हमने स्टैट्यूटरी बॉडी करी है. ठीक है, तो उसके बाद आता है नैक. नैक हमारी क्या है, ऑटोनोमस बॉडी, जिसे कौन फंड करता है, यूजीसी. ये कब एस्टैब्लिश हुआ, 1994 में, मेरे बर्थडे के, मेरे मतलब पैदा होने के एक साल पहले. ठीक है, नैक का काम क्या होता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्या करना, एक्रेडिट करना. इसका हमारे हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, बेंगलोर में. ठीक है, ऊपर वाले दोनों के कहाँ पर थे, न्यू दिल्ली में. नैक हो गया, फिर उसके बाद एनसीटीई, ये क्या है, स्टेच्यूटरी बॉडी. एनसीटीई भी क्या है, स्टेच्यूटरी बॉडी. ठीक है, ये किसके अंदर आता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1993 के अंदर, एंड अच्छे से एस्टैब्लिश हुआ 1995 में, बर्थडे वाले ईयर में. सो नैग के अगले साल एनसीटीई आ गया. ठीक है, अच्छे से याद रखना इसके, क्योंकि ये ज्यादातर आप देख रहे हो स्टैट्यूटरी बॉडी के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है. ठीक है ना, सो ये भी न्यू दिल्ली याद रखोगे. एनसीटीई के फोर हमारे रीजनल कमेटीज हैं, वो कहाँ कहाँ पर है, जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल. ठीक है, जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट. जयपुर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, याद रखना JPPP. ठीक है, इससे याद रखोगे आप, जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल. ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या याद रखना है, एनसीईआरटी. ठीक है, ये भी ऑटोनोमस है. क्या है, ऑटोनोमस, ये लेकिन ये 1961 की एस्टैब्लिश हुई हुई है. ठीक है, ये भी न्यू दिल्ली में इसका है. ठीक है, न्यू दिल्ली में इसको डाल देंगे. उसके अलावा आपने क्या याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लिख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ये हमारा 1962 में हुआ था. ठीक है, न्यू दिल्ली में. उसके बाद गाइस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. ठीक है, सो इसके लिए रिलेटेड ना मैंने MCQs डाले हुए हैं, उसको जरूर देख लेना. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में ज्यादातर ये याद रखना है, हमने अगर कोई ऑप्शन में कोई आता है कि हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, याद रखना, कोई भी रिलीजन से रिगार्डिंग ऑप्शन होगा उसको आप क्रॉस करेंगे, कोई भी कास्ट से रिगार्डिंग होगा क्रॉस करेंगे. मॉरल वैल्यूज को टॉप पे रखना है, एथिक्स को टॉप पे रखना है, मॉरल वैल्यूज और एथिक्स को फॉलो करना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में. बस इतनी चीज याद रख लेंगे ना, तब आपका बहुत ईजिली ये काम हो जाएगा. ठीक है, वेरी इजी वैल्यू बेस्ड में. सो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है ना, वो इसके बेसिकली कुछ पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, वेट अ सेकंड. डॉक्टर एमटी राम जी ने ना अपनी बुक थी उनकी, वैल्यू ओरिएंटेड स्कूल एजुकेशन, एमटी राम जी, उन्होंने ना 10 तरीके के ना बेसिकली क्या दिए हुए थे, वैल्यूज दिए हुए थे, जिसमें स्पिरिचुअल भी है, मॉरल भी है, सोशल भी है. कौन कौन सी है वो देखते हैं. पहला करेज, आपके अंदर हौसला होना चाहिए पढ़ने का. फिर सच्चाई, सच्चाई के बिना कोई काम नहीं चलता है. फिर आता है यूनिवर्सल लव, सबसे प्यार करो, ये नहीं रिलीजन है, कास्ट है, मैंने तो हिंदूज को प्यार करना है, मैंने सिख्स को नहीं प्यार करना, ऐसा नहीं, यूनिवर्सल लव, ये 10 के 10 याद रखेंगे. चौथा, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, रिलीजन का पॉइंट तो मैंने आपको पहले बता दिया, मतलब ये 10 पैरामीटर्स जिन्होंने डिफाइन किया है, अदरवाइज अगर हम अपने कॉमन सेंस भी लगाए ना, हमारे अपने आप बन जाते हैं. सर्विस पर ध्यान देंगे. प्योरिटी, सारे काम प्योर तरीके से करेंगे. प्योर का मतलब ये नहीं नहाना धोना, मतलब दिल से आप साफ सुथरे होने चाहिए. ठीक है, डिग्निटी ऑफ मैनुअल वर्क, ये नहीं कि अगर कोई वर्कर जाए उसको आप
इज्जत भरी नजरों से नहीं देखेंगे, डिग्निटी, उनकी भी डिग्निटी होनी चाहिए मैनुअल वर्क की, क्योंकि खुद से काम करना इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, डिग्निटी ऑफ मैनुअल वर्क होना चाहिए। कर्टेसी, दूसरों के प्रति कर्टेसी दिखाओ, ये नहीं मतलब हार्टलेस बने फिरो, कर्टेसी दिखाओ। पीस, शांति प्रिय, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और दसवा जॉय, खुश रहो, ठीक है, याद रखना ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मेरे आप कोर्सेज में लर्निंग ऐप पर सारे पास्ट ईयर एमसीक्यूज देख सकते हैं, बहुत सारे एक्चुअली ये है, ठीक है, अभी तो मैं बस ये सारी चीजें ही आपको करवा सकती हूँ। सो या सो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे और हम क्या करेंगे और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन, एक आपको करवा देती हूँ 2018 में क्या करा है अभी अभी बजट में, जो मतलब बेसिकली बजट का भी थोड़ा सा बता देती हूँ, बजट से रिगार्डिंग सच आपके पास मैंने डाला हुआ है वो आप देख लेना कोर्स बजट वाला भी, उसके अंदर इन सब से रिगार्डिंग, एडुकेशन से रिगार्डिंग क्या है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स का भी एक सेशन अभी आएगा सीरियल ऑर्डर में, तो करंट अफेयर्स के लिए भी रहे, ठीक है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आ रहा है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो एक बेसिक से भी आएगा, इसलिए बहुत स्टे ट्यून्ड रहे और दो दिन जितने भी रह गए हैं उस टाइम पर मेरी ये सारी वीडियोस को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। So this was all about today's session. Thank you guys for watching.